इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे आरोपी को पकड़ा है जो इंदौर पुलिस कमिश्नर बनकर थाना प्रभारियों को कॉल कर उन्हें परेशान कर रहा था। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ओम सोनी ने रविवार को जिंदर नगर DI को कॉल किया था कि मैं इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर बोल रहा हूँ, थाने पहुंचो, मैं आ रहा हूं। कमिश्नर के आदेश को सीरियस लेकर पुलिस के अधिकारी थाने पहुंच गए, लेकिन कमिश्नर नहीं पहुंचे, जिसकी जानकारी थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बताई, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने तफ्तीश करते हुए आरोपी को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। ये एक चंद्रनगर में एक FIR रजिस्टर की गई है। इसमें पिछले कुछ दिनों में एक व्यक्ति जो कि इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर बन के लगातार थाना प्रभारियों से फोन कर रहा था, और उसी तारतम्य परसों एक फोन PI चंद्रनगर के पास आया। उसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं ADG मैं कमिश्नर इंदौर बोल रहा हूँ, वो मकरंद बोल रहा हूँ, इस तरह की उसके द्वारा अपना परिचय दिया। और फेक व्यक्ति था वो, क्योंकि और उसके बाद उसको ये बोला गया कि मैं थाने पर आ रहा हूँ एक घंटे बाद, आप वहीं थाने पर बोला केस के बारे में डिस्कस करना है। तो वो थाने पर PI चंद्रनगर के द्वारा वेट किया गया, फिर उसको ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये नंबर संदेहास्पद है। फिर जब उसके द्वारा पता किया गया और PA से बात की गई, PA से बात पता लगाया गया कि ये नंबर है, तो फिर नंबर की सत्यता का पता चला। फिर उसके बाद उसको आइडेंटिफाइड किया गया, टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर एक टीम भोपाल रवाना की गई, क्राइम ब्रांच की, थाना चंद्रनगर की, उसके व्यक्ति की हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि वो 12th क्लास तक पढ़ा हुआ है, छिंदवाड़ा का मूल रूप से रहने वाला है, अभी वर्तमान में ईश्वर कॉलोनी भोपाल में रह रहा है, एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जो कि पिज्जा बनाने वाला रेस्टोरेंट है, तो उसमें रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। और उसके द्वारा ये बताया गया कि चूंकि वो कई अधिकारियों से जुड़ा हुआ, उसके मोबाइल में कई ऑफिसर्स के नंबर भी मिले हैं। उसके द्वारा ये बताया गया, मैंने ऑनलाइन ये सारे नंबर इकट्ठे किए थे, जिसमें से PI चंद्रनगर को लगाया था। इसके अलावा इसके द्वारा ये बताया गया, मैंने PI चरापा, PI एड्रम, अन्य DIO को भी फोन पुलिस कमिश्नर इंदौर बनकर लगाया था, और उसके पीछे जब मंशा पूछी थी तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं ये देखना चाहता कि पुलिस कितनी एक्टिव करती है, फोन कॉल कैसे रेस्पॉन्स देती है। हालांकि एक तर्कहीन इसका था, इसे फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। थाना चंद्रनगर में FIR सेक्शन 419-170 के तहत केस दिया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया, हिरासत में लिया जाकर उसको और पूछताछ की जाए कहीं और तथ्य खुलासा नहीं किया। अच्छा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है अभी, और उससे अभी और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि 12th का पास किया हुआ है। इसमें फिलहाल कोई इस तरह का माइंड सेट उसका नहीं लग रहा है, उसने कोई इस तरह का पैसे की भी कहीं मांग नहीं की है, तो उसके समय अभी फिलहाल और पूछताछ चल रही है, स्पष्ट होगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कुछ फंडिंग आया सामने, इस तरह की बात उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आई है। उसके जो एक्सेप्ट किया गया, उसने थाना प्रभारियों को ही, जो इंदौर के ही थाना प्रभारियों को फोन लगाना अभी तक स्वीकार किया है, और इस दृष्टि से भी उससे पूछताछ की जा रही है।